एक बार एक छोटे से व्यापारी ने एक कर्ज देने वाले के पास से ढेरों पैसे कर्ज में लेता है। कर्ज देने वाला एक बूढ़ा और घटिया इंसान होता है। उसकी नज़र उस व्यापारी के बेटी पे होती है जो कि बहुत ही सुंदर और नौजवान होती है। वो कर्ज देने वाला सोचता है, क्यों ना मैं उस व्यापारी के पास एक प्रस्ताव रखूं? अगर वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करा देगा तो मैं उसका सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। लेकिन फिर उसे लगता है कि इस तरह से सीधा प्रस्ताव रखना शायद ठीक नहीं होगा, इसलिए वो इस प्रस्ताव को दूसरे तरीके से रखता है। वो व्यापारी के घर जाकर कहता है कि मेरे पास एक प्रस्ताव है जिससे तुम्हारा पूरा कर्ज माफ हो जाएगा। मैं इस बैग में यानी कि इस झोले में दो पत्थर रखूंगा, एक सफ़ेद और दूसरा काला, और तुम्हारी बेटी को उसमें से कोई एक पत्थर निकालना होगा। अगर काला पत्थर निकला तो तुम्हारा कर्ज माफ़ हो जाएगा और तुम्हें अपनी बेटी की शादी मुझसे करानी होगी, और अगर सफ़ेद पत्थर निकला तो तुम्हारा कर्ज माफ़ हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारी बेटी की शादी मुझसे नहीं करानी पड़ेगी। वो कर्ज देने वाला बहुत ही चालाकी से उस बैग में दोनों काले पत्थर रखता है, पर व्यापारी की बेटी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और फिर सोचती है कि अब मैं क्या करूं, और उसके सामने तीन रास्ते निकल के आते हैं। उस हालात में उस लड़की के पास तीन विकल्प होते हैं, या तो वो उस बैग में से पत्थर निकालने से इनकार कर दे, या फिर वो दोनों पत्थर निकालकर उसे झूठा साबित कर दे, या फिर ये जानते हुए कि उसमें दोनों काले पत्थर हैं एक को निकालकर अपने जीवन का बलिदान कर दे और अपने पिता को कर्ज से मुक्त करवा दे। दोस्तों, अगर हम इस हालात में होते तो हमारे पास भी ये तीन विकल्प के अलावा शायद कोई और विकल्प नहीं होता। लेकिन इस हालात में भी उस लड़की ने थोड़ा ऊपर उठकर सोचा और ऐसा विकल्प तलाशा जिसे उसने अपने पिता को कर्ज से मुक्त करवाया और उस कर्ज देने वाले से शादी भी नहीं की। तो आइए जानते उसने ऐसा कौन सा रास्ता अपनाया। वो लड़की जाती है, उस बैग में से एक पत्थर निकालती है और उस पत्थर को बिना दिखाए वो नीचे ज़मीन पर गिरा देती है जहाँ पर अन्य पत्थर भी होते हैं, और फिर कहती है, मुझसे गलती हो गई और गलती से पत्थर नीचे गिर गया और हमने इस पत्थर को देखा भी नहीं। फिर कहती है, अच्छा ठीक है, इस बैग में जो पत्थर बचा हुआ है उसे देखकर ये पता कर सकते हैं हम कि मैंने कौन सा पत्थर निकाला था। जब उस बैग में से दूसरा पत्थर निकाला जाता है तो वो काले रंग का होता है, तो इससे ये साबित होता है कि सफ़ेद पत्थर नीचे गिर गया है, और शर्त के मुताबिक सफ़ेद पत्थर निकाले जाने पर कर्ज भी माफ़ होगा और शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह से उस लड़की ने अपनी समझदारी से इस मुश्किल परिस्थिति का सामना किया। दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि हालात चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हम इससे बाहर निकल सकते हैं, बस ज़रूरत है तो अपनी सोच पर जोर डालने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।